हैप्पी बर्थडे ऑल यू पीपल बॉर्न ऑन द 15th of April, यानी आप साल के बिल्कुल जो दिन आधा आता है बिल्कुल बीच में उस दिन पैदा हुए हैं। अच्छी बात है भाई, क्योंकि आप लोग होते भी इस तरह के हैं जिनकी वजह से आसपास की दुनिया जो है वो परिभाषित होती है। इन वे यू पीपल डिफाइन द टाइम यू आर इन, यानी यू आर द सिम्बल्स ऑफ टाइम दैट यू आर इन, सिम्बल्स ऑफ द सोसाइटी दैट यू लिव इन, सिम्बल्स ऑफ द काइंड ऑफ कन्वेंशंस दैट यू आर विद इन। आप लोग अपना बर्थडे पता है किससे शेयर करते हैं? एक तरफ तो मंदिरा बेदी के साथ और एक तरफ लियोनार्डो डा विंची जैसे व्यक्ति के साथ, आई मीन द बिगेस्ट जीनियस द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वैसे जीनियस बहुत सारे होते हैं लेकिन लियोनार्डो डा विंची जैसे भी कोई नहीं थे। आपको ये बता दें हम कि आपका जो एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है ना, वो लोगों को इंस्पायर काफ़ी करता है, क्योंकि आप इस बात में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और आप बड़ी जल्दी पॉइंट आउट कर देते हैं सब चीज़ें। कभी कभी तो ऐसा तक होने लगता है कि आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों की, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है कि भैया हमें कुछ इंडिपेंडेंट कर दो, हमें थोड़ी सी जगह दे दो, आप इतने ज़्यादा हम पर मत दृष्टि रखो। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। नॉर्मली पीपल अप्रिशिएट आपका इंटरेस्ट लेना, नॉर्मली लोग आपकी जजमेंट या आपकी मॉरल वैल्यूज़ या जो कुछ भी आप लोगों को करने के लिए बताते हैं उस सब के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को चेंज भी करते हैं उस तरीके से जिस तरह से आप चेंज करवाना चाहते हैं। आप लोग हैप्पी गो लकी होते हो, जनरली खुश रहते हो अपने आप से और लोगों के साथ भी, और आपकी एक तरीके से बात बहुत अच्छी जो होती है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिंग करके नहीं दिखा सकते। जैसे अंदर से होते हैं उसी तरह से आप बिहेव भी करते हैं। अगर आपका मूड खराब है तो आपका मूड खराब है, अगर आपने रोना है तो आपने रोना है, अगर आपने हंसना है और हंसाना है तो आपने सभी को गुदगुदाना है। इस तरह के लोग आप होते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी एक मौलिक किस्म की पर्सनैलिटी एंड वेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी। अब आते हैं आपके साल पे जो कि 2016 है, 2016, एंड देखने चाह रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं। भाई जहां तक आपकी लव लाइफ का सवाल है, हमें तो लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में काफी दृढ़ता से चले जा रहे हैं। इफ यू फॉलन इन लव विद समबडी, तो चाहे लोग आपको कितना ही समझा लें कि नहीं भाई ये आपके लिए नहीं है, आप रेजिस्ट करते रहेंगे, नहीं हमारे लिए है, चाहे वो हो चाहे ना हो ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन आप अपना दिमाग चेंज करने से रहें। अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशर किया जा रहा है कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, चांसेस आ कि आप फिर भी रेजिस्टेंस रखेंगे एंड कहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूंगी, मुझे अभी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। यानी कि आप अपने दिमाग से दृढ़ रहेंगे, जो भी लाइन आपने अपनी लव लाइफ में ले रखी है उसको आप डिफेंड करते रहेंगे, ऐसा मुझे पक्का लग रहा है। एज फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न दोस्त, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ समथिंग, कोई आपके सिंपथी का फ़ायदा उठा के आपके पैसे गलत ना लगवा दे, या आपकी फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठा के आपसे मीठा बोल के आपके पैसे गलत ना लगवा दे, आपके बिजनेस में गलती कहीं ऐसी ना हो जाए कि आप किसी के साथ ऐसे एग्रीमेंट कर बैठे या ऐसा जॉब कर बैठे जो कि आपको बाद में दिक्कत दे जस्ट बिकॉज द पर्सन स्पोक ब्यूटिफुली टू यू, या बंदे ने आपके गुड नेचर का फ़ायदा उठाया। ये चीज़ आपके साथ इस साल में काफ़ी पॉसिबल है। फैमिली में मैं समझती हूँ थोड़ी सी दूरियाँ बढ़ेंगी आपकी। अब क्यों बढ़ेंगी भाई, ये तो हर एक की फैमिली में अलग अलग है, लेकिन कुछ कारण इसका फिजिकल स्पेस भी हो सकता है कि कुछ फैमिली मेंबर या आपको फॉर एग्जांपल शायद अलग रहना पड़े किसी समय के लिए, हो सकता है आपकी पोस्टिंग हो जाए, घर बदल जाए, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो थोड़ी सी दूरियां बढ़ेंगी आपकी, जबकि बहुत ज़्यादा नहीं है ये, पर आप इस बात को ध्यान रखे चलिएगा। आपके करियर में कोई लेडी आपके बहुत अच्छी तरह से काम आने वाली है, बहुत इंडिपेंडेंट लेडी है, बहुत श्रूड एंड सोचने समझ के चलने वाली लेडी है। आई डोंट थिंक शी इज इन्वॉल्व विद एनीबडी, बट ये 35 से ऊपर की हैं, और अगर आप स्वयं इस तरह की लेडी हैं तो आई वुड से कि आपका करियर जो है बिल्कुल आपके हाथ में है, जिस रास्ते पे आप ले जाना चाहते हैं आप चलेंगे। और अगर आप ऐसे लेडी नहीं हैं, सिर्फ आज के दिन पैदा होने वाले लोग हैं, तो आई वुड से कि इस तरह की लेडी आपके लिए आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट रहेगी आपकी खुद की इंट्यूशन पर ध्यान न देना। आप कभी तो इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी आप इतने ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं, कभी आप सिर्फ इंट्यूशन पे चलते हैं, और कभी आप सिर्फ अपने दिमाग से जो लॉजिक होती है उसी पे चलते हैं। ये चीज़ आपको दिक्कत देगी इस साल में, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे आप इंट्यूशन को फॉलो करें, कहाँ पर आप अपने लॉजिक को फॉलो करें, और कहाँ पर आपको दोनों को छोड़ के जो सही लगे उसे फॉलो करें। ये आप सोच समझ के चलिएगा, इंट्यूशन को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। हाई प्रीसेस का कार्ड आपको मिला है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी इंट्यूशन, अपने ड्रीम्स, अपने इनर वॉइस को कितनी अटेंशन देते हैं। आपका हेल्थ में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली अगर आपको किसी तरह का क्रोनिक डिजीज़ है, तो हार्ट संबंधी, ब्लड संबंधी, या फिर आई विल से डायबिटीज़, अस्थमा, इस तरह की जो यू नो क्रोनिक काफ़ी समय तक रहने वाले डिजीज़ जो हैं उनमें लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट एंड सर्कुलेटरी संबंधी प्रॉब्लम्स में, तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। आपके लिए मैं इस समय आपको स्कोर दे रही हूँ 4.5 out of 10 आपके हैप्पीनेस क्वोशेंट ऑफ 2016।